Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And in this video, we will discuss the most important vitamins, whatever we know about them for class 10th and class 9th also. Let's start it. देखिए सबसे पहले हमारे इस वीडियो में जो कि हम विटामिन्स की बात करने वाले हैं, देखिए इसमें सबसे पहले विटामिन ए. तो देखिए विटामिन ए जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, यानी कहाँ पर पाई जाती है और उसका क्या काम होता है, आज हम इस वीडियो में देखते हैं विटामिन्स का. विटामिन ए वेयर इट डज, यानी ये क्या होती है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी काफ़ी यूजफुल होती है. इम्यून फंक्शन, रिप्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, स्किन एंड बोन फॉर्मेशन और विजन. ये क्या करती है, मतलब विटामिन ए जो होती है मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल होती है. इम्यून फंक्शन यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम जो होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है. रिप्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये विटामिन ए. रेड ब्लड सेल यानी RBC फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी बनाए रखती है बॉडी में हमारे. और स्किन एंड बोन फॉर्मेशन यानी जो हमारी खाल से रिलेटेड और जो हमारी हड्डियों से रिलेटेड जो फॉर्मेशन होती है उसको भी कंटिन्यू करती रहती है. और विजन, विजन मीन्स हमारी देखने की जो क्षमता होती है उसको भी हमारे बरकरार बनाए रखती है. ये तो हमारी विटामिन ए का वर्क होता है. अब ये पाई कहाँ जाती है विटामिन ए, देखिए सबसे पहले हमारा पाई जाती है कैंटेलूप. कैंटेलूप का मतलब होता है खरबूजा. कैरेट्स यानी गाजर. डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, स्पाइनेज एंड ब्रोकली, पम्पकिन, रेड पेपर, स्वीट पोटैटो. यानी हमें ये शकरकंदी और कद्दू, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स जो मतलब डेयरी पे जो पनीर वगैरह दूध में दही मिलता है, इन सारे प्रोडक्ट्स में ये विटामिन ए हमारी पाई जाती है. और इसकी जो डेली वैल्यू होती है ये होती है 5000 IU. ये IU एक यूनिट है जो 5000 IU हमें मतलब डेली दिन में मिलनी चाहिए विटामिन से. देखिए सबसे पहले आता है विटामिन B6. विटामिन B6 कहाँ मतलब इसका क्या यूज़ होता है और ये किस तरह की है. विटामिन B6 का यूज़ होता है इम्यून फंक्शन, यानी इम्यून फंक्शन को हमारे बनाए रखती है. नर्वस सिस्टम फंक्शन, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे जो ब्रेन का उसके फंक्शन को भी बनाए रखती है. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, और ये क्या करती है प्रोटीन भी बनाती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म भी हमें देती है. और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये भी RBC की फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. अब देखिए ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे चिक पीस यानी चने में पाई जाती है. फ्रूट्स देन अदर सिट्रस यानी नींबू वगैरह में, फ्रूट्स में भी पाई जाती है. पटेटोस में पाई जाती है, सैलमन में पाई जाती है, ट्यूना. ये जो सैलमन और जो ट्यूना है ये दो टाइप की एक डिफरेंट काइंड की स्पीसीज़ हैं, यानी मछली की जो स्पीसीज़ होती हैं इनमें ये पाई जाती है. इसकी जो डेली वैल्यू होती है वो तो 2 mg, यानी हमें 2 mg में डेली मिलनी चाहिए सारा विटामिन B6. देखिए विटामिन बी ट्वेल्व का क्या काम होता है, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, यानी फूड को एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा. बी ट्वेल्व अगर विटामिन हमारे अंदर B12 नहीं होगा तो हमारे अंदर क्या नहीं होगा, फूड का एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा. नर्वस सिस्टम फंक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए भी होती है ये. और देखिए ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है विटामिन B12 डेयरी प्रोडक्ट्स पर, एग्स पर, फोर्टिफाइड सीरियल्स यानी सीरियल्स मतलब वीट, राइस, बार्ली, मेज, मिलेट, ये सारे हमारे सीरियल्स होते हैं. मीट्स पर पाई जाती है, पोल्ट्री पे पाई जाती है, ये हमारे सीड फूड पे पाई जाती है. और हेडोक सी फूड मतलब समुद्री जो खाना होता है उसमें हमें ये पाई जाती है B12. और इसकी जो डेली वैल्यू होती है वो होती है 6 mcg, ये हमें डेली वैल्यू में 6 mcg मिलनी चाहिए. अब देखिए विटामिन B6 क्या होती है, विटामिन B6 क्या होता है, कहाँ पर होती है ये विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी यूज़ होता है इसमें. और कॉलेजन एंड कनेक्टिव टिशू, हमारे जो शरीर के अंदर जो टिशू होते हैं उनको कनेक्टिविटी बनाए रखे हमारे टिशूज़ के लिए. इम्यून फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है विटामिन 6, विटामिन C. और वाउंड हीलिंग मतलब जख्म भरना, विटामिन C जो होती है जख्म भरने में काफ़ी यूज़फुल होती है. अब ये विटामिन C पाई कहाँ जाती है, ब्रोकली यानी हरा गोभी, और ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, कैंटेलूप यानी खरबूजा, साइट्रस फ्रूट एंड जूसेस, कीवी फ्रूट, पीपर्स, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज एंड टोमेटो जूस, यानी टोमेटो जूस में पाई जाती है. स्ट्रॉबेरीज यानी ये जो भी नाम आप देख रहे हो इन सब में ये विटामिन C पाई जाती है. और ये जो डेली वैल्यू है ये हमें 60 mg तो होनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर. विटामिन डी क्या मतलब विटामिन डी कहाँ रहती है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. विटामिन डी क्या करती है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मतलब BP को कंटिन्यू फ्लो बनाती रहती है. बोन ग्रोथ यानी हड्डियों की ग्रोथ के लिए भी बनाती रहती है विटामिन D. कैल्शियम बैलेंस, और हमारी क्या करती है शरीर के अंदर जो कैल्शियम का जो बैलेंस होता है उसको भी कंटिन्यू रखती है. हार्मोन प्रोडक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनका प्रोडक्शन भी करती रहती है विटामिन D. इम्यून फंक्शन, नर्वस सिस्टम फंक्शन, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा, और जो नर्वस सिस्टम होता है विटामिन डी उसको करती है. और ये विटामिन डी हमें कहाँ पाई जाती है, एक्समर, फेस लिवर ऑयल, फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड मार्गेनी,
फोर्टिफाई ऑरेंज जूस में पाई जाती है, और बीवरेज यानी कॉफ़ी, जो कॉफ़ी सीड्स होते हैं उनमें भी ये पाई जाती है, अंडों में पाई जाती है, मछली में भी पाई जाती है विटामिन डी। और ये जो होती है 400 IU डेली वैल्यू इसकी हमें होनी चाहिए अभी बॉडी के अंदर। देखिए विटामिन ई, जो विटामिन ई होती है वो एंटी ऑक्सीडेंट होती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल हमारी बॉडी के जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है उसको भी कंटिन्यू रखती है, इम्यून फंक्शन और हमारी बॉडी का इम्यून फंक्शन को भी कंटिन्यू रखती है। फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड जूसेस, ये हमें मतलब पाई कहाँ जाती है, ये सीरियल्स जूसेस में पाई जाती है, ब्रोकली यानी हरा फूल गोभी में पाई जाती है, नट्स एंड सीड यानी नट्स में भी पाई जाती है, सीड्स में भी पाई जाती है, पीनट एंड पीनट बटर्स में भी पाई जाती है, और वेजिटेबल ऑयल्स में भी पाई जाती है ये हमारी विटामिन ई। अब देखिए इसकी जो डेली वैल्यू होती है वो 30 IU। अब देखिए हमारा जो लास्ट विटामिन विटामिन के, ब्लड क्लोटिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये क्या विटामिन के का यूज़ क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग यानी जो जैसे हमारे बॉडी से मान लीजिए कहीं से भी हमारी बॉडी ब्रोक हो जाती है, रप्चर्स हो जाती है, तो हमारा जो ब्लड निकलता है बाहर और कुछ घंटों के बाद जो ब्लड जो होता है हमारा मतलब सूख जाता है, एक पपड़ी बना लेता है, तो उसे कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो इसमें भी यूज़फुल होती है विटामिन के स्ट्रॉन्ग बोन्स, और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बोन्स करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए विटामिन जो के होती है वो हमारी पाई कहाँ जाती है, वो पाई जाती है ग्रीन वेजिटेबल्स में, ब्रोकली में, स्पाइनिच में, टर्निप में, टर्निप यानी सलगम, कॉलेट्स और स्विस चार्ट और मस्टर्ड ग्रीन, यानी मस्टर्ड ग्रीन का मतलब ये होता है, ये भी एक टाइप की सब वेजिटेबल्स में आती है, इन सब चीज़ों में ये जो हमारी विटामिन के होती है वो पाई जाती है। और इसकी जो डेली वैल्यू होती है वो होती है 80 MCG, हमें 80 MCG हमारी बॉडी में होनी चाहिए। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।